दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, एक मॉडर्न हाउस डिज़ाइन आज हम आपको सामने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। काफ़ी लोगों की ऐसी हाउस प्लान की रिक्वायरमेंट होती है जो सिटी में आजकल बनवा रहे हैं या गाँव में भी बनवा रहे हैं, तो ऐसे लोग फिर भी मकान प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डेकोरेशन, फ्रंट का एलिवेशन एक बेहतरीन सा दिखता है और ऐसे ही मकान लोग चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा मकान डिज़ाइन किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए बेनिफिट, दोनों लोग बनवा सके। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एरिया बहुत ही कम है, मात्र 1000 स्क्वायर फीट के अंदर ये मकान बना हुआ है। हालांकि 30x30 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन थोड़े से दो पिलर आपको आगे दिख रहे हैं पोर्च ड्राइव का, ये आपको लगभग 3 फीट आगे और निकला। तो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर ये मकान पूरा डिस्कस मैं आपके सामने करने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लान हो, पूरे प्लान पर आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्लान, ये एक ऐसा प्लान है जो आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र दोनों में बनवा सकते हैं। तो चलो प्लान को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो प्लान को डिस्कस करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये देख रहे हैं दोस्तों पूरा प्लान आपके सामने प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख लीजिए, ये पूरा है फ्रंट, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं फ्रंट का, और साइड में भी इनका रोड है, इस वजह से इधर भी मैंने डेकोरेशन दिया है, इनका डोर भी दिया है और ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत बनाकर मैंने यहाँ पर दी हैं। हमारे एक पेड यूज़र थे, वो लगातार हमने उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रहे थे और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। कॉर्नर का प्लान आप इसे बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो साइड रोड है, फ्रंट आपका ये होने वाला है, साइड आपका ये होने वाला है, तो ये साइड पर भी मैंने डोर दिया है एंट्री के लिए, और इधर भी एक आपका बेहतरीन सा पोर्च का डिजाइन और बरामदे का डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसे जूम करके दिखाना चाहें आपको तो देख सकते हैं, जूम करके इसका ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, ग्रिल का डिजाइन कैसा बना हुआ है। ये एक मॉडर्न लुक में हाउस बना है दोस्तों, ऐसे लोग इसमें हाउस आजकल लोग बनवा रहे हैं, घर ऐसा पसंद कर रहे हैं। तो इधर आपका स्टेयर्स है, इसलिए मैंने इस गुमटी को बनाया ऊपर तक जिससे आपका प्रॉपर तरीके से, इधर मैंने ग्लास भी यूज किया है साइड में जिससे सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर देख सकें। प्लांटेशन वगैरह भी मैंने यूज कर रखा है डेकोरेशन की वजह से। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। देखिए दोस्तों का ग्राउंड फ्लोर है, मैं बात करूँ ये एरिया, मैं टॉप व्यू पहले आपको दिखा देता हूँ फिर चीज़ें समझाता हूँ। ये आपका घर ऊपर से ऐसा दिखने वाला है। अगर आप बात करें तो ये देखिए तीन बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, और इसके बाद इस बेडरूम से अटैच लेट बाथ भी मैंने यहाँ पर दिया है, और ये एक अलग लेट बाथ सेपरेट है, ये आपका किचन है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 30 फिट है, ये आगे सिर्फ 3 फिट का पिलर मैंने और बढ़ा दिया है पोर्च डिजाइन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक विंडो दिया है विद फ्रेम वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से आप ऊपर जैसे जाएंगे तो आप ये बारंदे टाइप में चढ़ जाते हैं। इसके बाद इस बारंदे से आपके ज़्यादातर बेडरूम्स में एंट्री है, एक इस वाले गेस्ट रूम में भी मैंने एंट्री दे दी है, इस बेडरूम में भी एंट्री दे दी है, यहाँ पर एक विंडो भी दे दिया है मैंने वेंटिलेशन के लिए, ये आपका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, और इस वाले बेडरूम के लिए यहाँ पर एक विंडो और मैंने दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। मेन डोर से अंदर जाते हैं तो एक गैलरी नुमा आपकी डिजाइन मिलती है, इसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों बेडरूम के लिए फिर से डोर है। इस बेडरूम के लिए मैंने अटैच्ड लेट बाथ ये बना रखा दोस्तों, आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी स्टेयर्स मिल जाएंगे, यहाँ चलना स्टार्ट होंगे, टर्न होंगे, इस फिर अंदर की तरफ आ जाएंगे। इसी स्टेयर के नीचे आपको मैंने यहाँ पर जीना दिया है, सॉरी एक डोर दिया है जिससे आप घर में प्रवेश कर पाएं साइड वाले रोड से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक लेट बाथ और देखने को मिलता है कॉर्नर पर, ये आपका किचन है, ये आपका ओपन स्पेस दिखेगा। यहाँ पर एक ये बेडरूम जो कॉर्नर पर है, इसका मैंने साइड से फिर विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो 3 बेडरूम 2 लेट बाथ और एक मॉडर्न सा किचन, फ्रंट का लुक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर टेक्सचर वगैरह जो यूज़ किया आप सब कुछ देखिएगा, प्लांटेशन वगैरह भी मैंने यूज़ कर रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान आपका 30x30 मतलब 1000 स्क्वायर फीट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए बाउंड्री वॉल 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ बना है, और बाउंड्री पे जो डिज़ाइन रेलिंग का ग्रिल का है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, एक सब बिल्कुल सिमिलर मैंने क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ अलग है, इधर कुछ आपको फ्रंट अलग दिख रहा होगा, इस साइड का अलग आपको दिख रहा है। ये जो स्टेयर्स थी इसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है, यहाँ पर मैंने
ये डोर लगा दी, से छत पर आ पाएंगे। एक विंडो भी दे दिया वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर इस साइड ग्लास भी दिया है मैंने, जिससे और प्रॉपर आपका घर का डिज़ाइन बेहतरीन दिख सके। ऊपर रूफ है, और ये आपका बीच में मैंने ओम का सिंबल दे रखा है। तो ये पूरा डिज़ाइन था 30x30 में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का। साथ साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप हमसे बात करिएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके हाउस को क्रिएट करूँगा। वहाँ पर लेकिन आपको पे करना होता है 50% पहले, 50% बाद में। तो वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मॉडर्न हाउस और आपके विलेज लेवल्स के हाउस सारे कवर किए जाते हैं, आपको एक बेहतरीन सा लुक दिया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।